आरआईएन टीवी के संवाददाता भावना अरोड़ा ने किसान नेता सचिन चौधरी से बात की। किसान नेता सचिन चौधरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सचिन जी, अभी देखा गया है 15 मिनट का ब्रेक हुआ है, ऐसे मोहम्मद की व्यवस्था जो है खुद किसानों ने की, और जो है अंदर ब्रेकफास्ट जो कि मौजूद है, लंच भी है, तब भी उसे नहीं लिया गया। तो ये बात इसका इशारा करते हैं कि अभी भी सहमति जो है कहीं बनकर मतलब नहीं आ रही है। हम लोग अपना खाना हमेशा साथ लेके चलते हैं, क्योंकि ये नहीं पता होता कितने समय के लिए हमें प्रोटेस्ट करना है, जो मांगे हमारी मांगी नहीं जाएंगी, कम मानी जाएंगी। तो इसलिए हम लोग किसी का सरकार का खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि इनकी नीयत वैसे ही ख़राब है। लालच देते हैं, तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, और ये तीनों कानून जो ये लेके आए हैं इसी के विरुद्ध हम लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये हमें वापस चाहिए, अन्यथा हम लोग जो है यहाँ से वापस जाने वाले हैं। सचिन जी, 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चला है, लगभग जो है चौथे दौर की मीटिंग है, क्या लगता है कि समाधान निकलेगा, क्योंकि कई दिन हो गए हैं जिसके चलते किसानों में चक्का जाम भी कर रहा है। ये लोग ये सोचते हैं कि जितना किसान को परेशान करेंगे वो टूट के वापस चला जाएगा, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि हमारे साथ जितना बुरा होना था वो हो चुका है। अब हम यहाँ से रिजल्ट लेके जाएंगे, तीनों कानून वापस करवा के जाएंगे, और कानूनों को लिखित में लेके जाएंगे। सरकार का ये कहना है कि हम लिखित में नहीं दे सकते। देखिए, मोदी जी पे तो मुझे पहले से बता दूं कि सरकार का भरोसा तो हमें है, हमें 25 तारीख से यहाँ पे है। अगर ये लोग चाहते हैं छुट्टी हमारी बात को मान के हम भेज सकते हैं। हमारे घर पे सब लोग परेशान हैं, किसान यहाँ पे दिल्ली में पड़ा हुआ है, और इसी चीज़ को हम कहेंगे हमारी बात को जल्दी जल्दी मान लें, अन्यथा दिल्ली को बंद कर देंगे। शुक्रिया।